हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही सुंदर तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ और मैं तोरण पट्टी का वीडियो का लिंक आई बटन पे ऊपर दे दूँगी, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इस गेट पर्दा तोरण को बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, इस तोरण को मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ, तो देखिए अब मैं इसे बना कर दिखा रही हूँ ये कैसे बनेगा। इसे स्टेप बाई स्टेप बुन कर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे मोड़ ली हूँ और बीच में एक धागा लगा दे रही हूँ। यहीं पे मैं यहीं से दूसरे डिजाइन को बनाकर स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं मोड़ कर यहाँ पे मैं मार्क लगा ले रही हूँ, उनसे बांध दे रही हूँ। अब यहीं से मैं बुनकर और दूसरा डिजाइन को बुनकर मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से एक गांठ लगा ले रही हूँ वाइट ऊन में, वाइट ऊन से मैं बुन रही हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से मैं जोड़ूंगी, इसे हटा दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर और इस तरह से मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। और फिर इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी। और 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। इस तरह से पूरे मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, देखिए पूरे मैं कंप्लीट कर ली। अब इस तरह से इसे मैं लॉक कर दे रही हूँ, लॉक करके 3 चेन बनाकर फिर से लॉक कर ले रही हूँ किनारे पे। और फिर से मैं 3 क्रोशिया सभी होल में एक एक 3 क्रोशिया मैं बना रही हूँ। और सभी होल में बनाऊंगी एक एक 3 क्रोशिया, देखिए इस तरह से पूरे मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए पूरा कंप्लीट कर ली और 3 चेन बनाकर किनारे पे लॉक कर दे रही हूँ इस तरह से। 3 चेन बनाकर इस तरह से आगे की बनाने के लिए, देखिए इस तरह से फिर दूसरे लाइन को मैं सभी होल में एक एक 3 क्रोशिया मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए सभी होल में मैं 3 क्रोशिया इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ और अपने हिसाब से मैं बुनी हूँ। एक कभी कभी मैं एक होल में 2 क्रोशिया बनाए हूँ थोड़ा, नहीं तो सिकुड़ने लगता है ये डिजाइन, तो मैं अपने हिसाब से आप भी बनाइएगा। देखिए इतना मैं बुन ली हूँ, अब कैंची की मदद से इसे धागे को कट कर दी। अब मैं हरा ऊन यहाँ पे जोड़ूंगी, तो हरा ऊन जोड़ कर दिखा रही हूँ। हरा ऊन जोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। अब सभी होल में एक एक मैं 3 क्रोशिया फिर से बना रही हूँ। हरा ऊन से मैं सभी होल में एक एक 3 क्रोशिया बना ले रही हूँ, जिस तरह पहले मैं बनाई थी उसी तरह से सेम इस ये हरा ऊन से मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैं पूरा मैं लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, देखिए ये इतना मैं बना ली हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पर लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से और 3 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर लॉक करके फिर से दूसरे लाइन को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ और कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए सभी होल में मैं एक एक 3 क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी से इस तोरण को बना सकती हैं और बहुत ही बनने के बाद सुंदर दिखता है। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट मैं कर ली हरा ऊन से और जितना आपको बड़ा बुनना होगा उतना बुन सकती हैं। तो देखिए मैं अब फ्लावर बना ली हूँ और फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे गांठ लगा दी हूँ ऊन में, वाइट ऊन में, और 1 2 3 यहाँ पे चेन बनाकर 4
फोर चेन यहाँ पर मैं बनाई हूँ और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये वन ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से मैं कंप्लीट कर रही हूँ 1 2 3 4 फोर चेन बनाकर। फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर रही हूँ। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 फिर से ट्रिपल क्रोशिया। एक होल में पहले दो मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, उसके बाद से वन वन मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पहले दो बनाई एक होल में, उसके बाद एक एक मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया। देखिए ये किनारे पर भी दो ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे एडजस्ट करके और फिर से मैं यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए इस तरह से मैं फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ 1 2 3। फिर से देखिए इस तरह से फोर बनाऊँगी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा है और ये चौथा है और थ्री चेन यहाँ पर 1 2 3। और फिर से देखिए एक छोड़कर लाइन को और यहाँ पर 1 2। फिर इस तरह से देखिए लॉक कर दी सिंगल क्रोशिया से। और फिर सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मैं सभी होल में सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और बीच में छोड़कर गैप, और किनारे से मैं फिर से ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूँगी फ्लावर को। तो देखिए यहाँ से मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी 1 2 3। अब 1 2 3 4। इसी तरह से मैं सभी होल में मैं ट्रिपल क्रोशिया बना ले रही हूँ। इसी तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिया बना ले रही हूँ सभी होल में। देखिए सभी होल में मैं ट्रिपल क्रोशिया देखिए बना रही हूँ चारों तरफ, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दे रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दे रही हूँ। इस तरह से 1 2 3। अब इस तरह से 1 यहाँ पे 6 मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ और फिर 6 यहाँ पे मैं 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर और 5 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर रही हूँ। देखिए फिर से मैं 6 यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से
और पांच इस तरह का मैं गैप बना रही हूँ यहाँ पे होल, और पांच पंखुड़िया के लिए मैं इस तरह का चेन बना रही हूँ, चेन बनाकर और होल बना रही हूँ। यहाँ पे पांच पंखुड़ी मैं बनाऊँगी और सिक्स यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए पूरे फ्लावर में मैं फाइव पंखुड़ी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए किनारे पे एक पंखुड़ी के लिए यहाँ पे चेन मैं बनाई हूँ। अब सभी में मैं पंखुड़ी बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए अब मैं पंखुड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं सिंगल क्रोशिया एक से लॉक कर ली और थ्री चेन बनाकर फिर से ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे फाइव ट्रिपल क्रोशिया मैं तैयार कर ले रही हूँ। पांच ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे मैं बुन ली। देखिए यहाँ पे मैं फाइव ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। अब फोर चेन बनाकर यहाँ पे और सबसे पहले वाले चेन में मैं लॉक कर दी सिंगल क्रोशिया से, तो कोन बन गया। अब फिर से मैं फाइव ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए अब बीच में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से लॉक कर दे रही हूँ और थ्री चेन बनाकर और फिर से ट्रिपल क्रोशिया में फाइव यहाँ पे देखिए दूसरे पंखुड़ी को मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फाइव ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। और फोर मैं चेन बनाकर सबसे पहले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दे रही हूँ, तो पंखुड़ी का कोन बन जा रहा है। और फिर से फाइव ट्रिपल क्रोशिया मैं यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से देखिए थ्री चेन बनाकर फिर से किनारे पे मैं पंखुड़ी तैयार कर रही हूँ। सबसे लास्ट वाले पंखुड़ी को मैं तैयार करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी फाइव ट्रिपल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। और फोर चेन बनाकर सबसे पहले वाले चेन में मैं लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से और फिर फाइव चेन या फाइव ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर ले रही हूँ। ये सबसे लास्ट पंखुड़ी है हमारी। तो देखिए मैं सबसे लास्ट वाले पंखुड़ी को तैयार करके दिखा रही हूँ। देखिए ये बन गया। अब सब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ और एक और लॉक करके और यहाँ पर मैं कैंची के मदद से धागे को कट कर दे रही हूँ। देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया और देखिए यहाँ पे मैं कट कर दे रही हूँ कैंची के मदद से और पीछे की तरफ धागे को इस तरह से मैं लॉक कर दे रही हूँ ताकि ये धागा दिखे नहीं। तो इस तरह से मैं लॉक कर दे रही हूँ धागे को। इस तरह से मैं धागे को पीछे की तरफ लॉक कर दी। अब देखिए ये फ्लावर कितना सुंदर तैयार हो गया है। अब मैं सुई के मदद से इस पंखुड़ी को लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से सुई में धागे को लगाकर और इस तरह से पंखुड़ी को मैं लॉक कर दे रही हूँ ताकि पंखुड़ी एक जगह रहे। तो देखिए इस तरह से मैं लॉक कर रही हूँ पंखुड़ी को सुई की मदद से। तो इस तरह से मैं लॉक कर दी और पीछे की तरफ धागे को बांध दे रही हूँ और कैंची की मदद से इसे कट कर दे रही हूँ। देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं इस बीच वाले डिजाइन को बीच वाले कली को मैं बनाकर बता रही हूँ। देखिए इस तरह से धागे में गांठ लगा ले रही हूँ और बीच में से हरे वाले
में से इस तरह से इसे निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 चेन बनाकर और देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं लॉक कर दे रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया मैं सब तैयार कर रही हूँ, पूरे चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से भर दे रही हूँ इसे। देखिए किस तरह से पूरे चेन को, इस तरह से इस तरह से अब इस तरह से इसे इसे भर दे रही हूँ। इस तरह से अब इसे मैं बांध दे रही हूँ। हो गया, देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं तोरण में झालर को बनाकर बता रही हूँ। अपने हाथों में 30 बार इस तरह धागे को लपेट रही हूँ। आप चाहें तो इससे कम या अधिक धागे को लेकर बना सकती हैं। अब मैं धागे को इस तरह से बांध कर और कैंची की मदद से कट कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से ये काफ़ी आसान है बनाना। देखिए ये कितना सुंदर बन गया झालर। इसी तरह से मैं सभी झालर को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सुई के मदद से इस झालर को यहाँ पे लॉक करके दिखा दे रही हूँ। देखिए ये कितना आसान है, लॉक मैं कर दे रही हूँ इस तरह से झालर को। और इतने इतने दूरी पे मैं सभी झालर को लॉक कर दे रही हूँ। तो सभी झालर को मैं इस तरह से लॉक कर दे रही हूँ देखिए। और यहाँ पे मैं धागे को बांधकर कट कर दे रही हूँ। इसी तरह से पूरे मैं झालर को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये मैं झालर को, पूरे झालर को कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इतने इतने दूरी पे पूरे झालर को कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से पूरे झालर को मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण का डिज़ाइन पूरा बन गया है। और आप हमारे चैनल मीरा आर्ट को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।